हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए गुड़ वाली चाय लेके आई हूँ। गुड़ वाली चाय आप लोगों की हमेशा फट जाती है, पर मैं आज बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये चाय बताऊंगी कि आपकी चाय बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए, हमारी चाय बिल्कुल नहीं फटी और ये गुड़ से बनी हुई है। तो सबसे पहले मैंने 3 लौंग लिए हैं, उनको अच्छे से कूट लेंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें अदरक डालूंगी, अदरक को भी अच्छे से कूट लेंगे। आप चाहें तो अदरक को किसके भी डाल सकते हैं। तो मैंने दोनों को अच्छे से कूट लिया है, इससे चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा चाय का मसाला बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे। तो मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 कप पानी लिया है और इसको हम गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाए तो मैंने अदरक और लौंग कूटे थे वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम चाय पत्ती डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से चाय पत्ती डालें और इसको हम उबलने देंगे। जब ये अच्छे से उबलने लगे तो मैंने इसको 2 चम्मच गुड़ लिया है, इसको कूट लिया था। अब गुड़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर उबलने देंगे। और मैंने 1 कप दूध लिया है, इसको दूसरे बर्तन में रख के हम दूसरी जगह उबालेंगे। तो दूध को हमें अलग से उबालना है। जब दूध उबलने लगेगा तब हम इसको चाय में डालेंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि दोनों को हमें अलग अलग उबालना है। अगर आप एक साथ गर्म करते हो तो फिर आपकी चाय फट जाएगी। तो अब मैं इसमें दूध डालूंगी। तो दूध डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं उबालना, बस 1 उबाल आने पर ही हमें गैस को बंद कर देना है, जिससे हमारी चाय बिल्कुल नहीं फटेगी, ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आप कुछ ये टिप्स को ध्यान रखें दोस्तों, तभी आपकी चाय बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ठंड में ये चाय बहुत टेस्टी लगती है, तो आप इसको ज़रूर बना कर पिए और कुछ टिप्स को इसमें ध्यान रखें। तो दोस्तों, दूध और चाय के पानी को अलग अलग उबालना है, तभी हमारी चाय बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और डालने के बाद बस हमें 1 बॉयल करना है। तो देखिए, हमारी चाय बिल्कुल परफेक्ट बन गई है, बिल्कुल नहीं फटी है। तो आप कैसे भी गुड़ के साथ आपको इसको बना सकते हो। आप केमिकल वाले गुड़ के साथ भी बनाएंगे तब भी आपकी चाय बिल्कुल नहीं फटेगी। तो सर्दियों में गुड़ की चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। आप इस चाय को सर्दियों में ज़रूर बनाएं, इस चाय का मज़ा सर्दियों में कुछ और ही होता है। तो आप इस चाय को बनाएं, खुद पिए और सबको पिलाएं। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।